ये लो, ये जब उस दिन आप देख रही थी ना, जब दीपिका पहन के आई थी, तो मैं समझ गया था कि अच्छा ये तो यूनिक डिजाइनर आप लोग को सबको पसंद आई है, तो मैंने उसने बोल दिया दीपिका इसको मंगवाते हैं। तो ये तीनों जो है सेम है, ये तीन जो है ये सेम है, ये आप में से तीनों पहन सकते हैं कोई भी। और ये शालू की है, ये शालू की है। अरे क्या बात, सो रही थी जब मैं सुबह देखे गया था, ये है मैंने देखा था ब्लॉग में देखा था ना, तुम उस टाइम सो रही थी उस टाइम। हाँ सब पहने लाओ, मैं पहना था तुम्हें भी लाओ। बच्चों की बची है, और बच्चों की मतलब सबकी नहीं, हमारे लिए गिफ्ट है सबकी सी बची, लेकिन एक मतलब इस बार ईदी इतनी आसानी से नहीं मिलेगी, मैंने कुछ सोचा है। माशा अल्लाह शोएब इब्राहिम जैसे बेटे भगवान सबको दे। शोएब इब्राहिम हमेशा से अपनी फैमिली का बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं। आप देखें किस तरह से शोएब इब्राहिम की अम्मी खुश होकर उन्हें जो दुआएं दे रही हैं वो मतलब लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकते हम। शोएब इब्राहिम बहुत अच्छे बेटे हैं, बहुत अच्छे भाई हैं, बहुत ही अच्छे एक हस्बैंड हैं, अब वो बहुत ही अच्छे एक पिता भी बनने वाले हैं। अगर मैं पर्सनली कहूँ तो मुझे पूरी वीडियो में ये जो क्लिप है ना, जब वो अपनी अम्मी के पाँव में पायल पहनाते हैं और अपनी बहन सबा के पाँव में पायल पहनाते हैं, वो क्लिप मतलब इमोशनल और काबिल तारीफ। क्या आप भी इस बात से एग्री करते हो, नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। एक बार फिर से शोएब इब्राहिम के लिए मैं कहूँगी माशा अल्लाह सुभान अल्लाह। उनकी अम्मी का जो प्यार भरा हाथ उनके सर पर, ओहो हो।